तो आज हम लोग करने वाले हैं CBR पे काम, 250R पे। तो सबसे पहला काम है इसका एयर फिल्टर चेंज करना है, और एयर फिल्टर चेंज करने के लिए ये दोनों स्क्रू निकालने पड़ेंगे अपने को। तोड़ दे भाई, तोड़ दे, गाड़ी तोड़ दे। ये दोनों स्क्रू खोलने, इसमें माचिस क्यों रखा है? ये गाड़ी जिसकी है वो थोड़ा स्मोकर बंद है, तो उसने रखी है। सीट निकालने के बाद अंदर ये हाल है। ये हम लोगों ने बहुत पहले इस पर WD-40 लगा दिया था, तो अभी भी इस पर आया नहीं है कुछ भी, कार्बन नहीं आया है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है इस पर। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। और यहाँ पे एयर बॉक्स, अपना एयर फिल्टर का बॉक्स है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है। इसको आप ये करते रहे तो ये गंद इसको खा लेगा। भी WD-40 मार के खोलिया करे, 6-7 महीने में एक बार खोल दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये जंग खा गया तो फिर इसको खोलने के बांधे। जैसा कि अभी आप देख सकते हो थोड़ा तकलीफ, दम लगा के खोलना पड़ रहा है। अभी एक ही खुला ना, दूसरा वाला खोल रहा है क्या? एक नंबर भाई, चलो खुल गया। ये खोलने के बाद आपको बस अंदर छेद दिखेगा, और उस छेद के अंदर हमारा बॉक्स है। बॉक्स को खोलने के लिए दो क्लिप्स हैं, वो दोनों क्लिप्स को खींचना है, फिर उसमें से एयर फिल्टर जो है वो लूज़ हो जाएगा। और ये आ गया हमारा एयर फिल्टर बाहर। अच्छा है, अबे एयर फिल्टर तो अच्छा है इसका भी। ये ओ चचा तो ये इसका अच्छा साइड है और ये इसका बुरा साइड है। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन क्यों फालतू में क्यों, हाँ रिस्क क्यों लेना, रिस्क नहीं लेना है भाई। तो ये है होंडा का OG एयर फिल्टर, तो ये अभी हम लोग निकाल रहे हैं। OG होंडा का फिल्टर, इसका तो ऑलरेडी उस दूसरा साइड गंदा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा गंदा क्यों लग रहा है गाड़ी, ऐसे ही रहता है क्या? हाँ, रेड वाला, रेडिश ल्यूब। इसकी प्राइस 278 अगर दिख रही होगी तो। कैसे जाता है ये गाड़ी अंदर? ये ऐसे, मतलब इसका जो दो साइड है वो अंदर की तरफ, और जो क्लिप वाला पार्ट है वो बाहर रहेगा, और फिर अंदर डाल के बस आपको ऐसे क्लिप कर देना है। हाँ, साफ हो जाएगा। बहुत बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने एयर फिल्टर को लगा दिया अंदर, नया था इसलिए उसका फिल्टर रख दो, मुश्किल था लगाना उसको। ओल्ड वाला अभी रख देते बाजू में। WD एक बार हर जगह मार लो जो भी खोलना है आपको, और उसको थोड़ा टाइम दे दो क्योर होने के लिए, उससे कैसा बाद में खोलना आसान हो जाता है। एक यूज है अभी ये बस, मतलब बाद में ये पार्ट चेंज होगा। ग्रीस लगा देना। और गाइस, हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं अगर आप स्क्रू लगा रहे हो तो उस पर ग्रीस लगा दो, वरना अगली बार वो खुलेगा नहीं खुलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है ग्रीस लगाने की, ऐसा घुसाया निकाला हो गया, वहाँ पे लगा दो, इसको भी लगा दो, और ग्रीस को बंद कर देना गाइस, नहीं तो उसके अंदर मिट्टी चली जाएगी। इस पे लगाया क्या WD? इस पे, इस पे सब मारा, दो बार मारा, खोलने को आ रहा मैं दो बार मारा उस दिन, देर से हमने मारा थे कल, वापस मारा, वापस मारा आज जो नहीं खुलने वाला रहेगा वो भी खुलेगा। और अभी गाड़ी वॉश मत करवाना गलती से भी, क्यों? क्योंकि WD का जो लगाया ना लेयर अपन ने वो रहने दे। अभी क्या करने का इसका? अब इसका फेयरिंग खोलना है, स्पार्क प्लग ना। तो इसकी टाकी निकालनी है अपने को, टाकी निकालने के लिए पहले फेयरिंग खोलना है। ये वाला स्क्रू, ये वाला स्क्रू, ये वाला स्क्रू, इसके अंदर दो रखे हैं। अभी इसको खोलेंगे तो और दिखाएंगे आपको, और स्क्रू है इसके अंदर, और सेम इस साइड भी है, यहाँ पे भी स्क्रू का है पूरा, ये फिर यहाँ पे एक होता है वो, मतलब तीन स्क्रू तो पहले खोलने हैं, उसके बाद और भी रहेंगे अंदर देखने के लिए। तो ये सब खोलने के बाद यहाँ का भी खोलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इससे ही खुलता है, अगर ये हटाएंगे तो ये निकलता है। इधर का भी है, बस यही दो हैं कि और हैं? ये भी है ना? हाँ ये भी है, ये वाले दो।
यहाँ पे एक और नट है, वहाँ पे भी एक और नट रहेगा, उसको भी खोलना पड़ेगा। इधर इधर इसके ऊपर मार डब्ल्यू डी, बस 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 आराम से गाड़ी, एक साइड 600 का है आराम से। हाँ टूट जाएगा, पार्ट जल्दी मिलेगा नहीं, ये टूट जाएगा, ये डर लगता है मेरे को इसको। अभी गाड़ी इसको खोलने वाला है, मेहनत करके खोलेगा लग रहा है। अच्छा ऐसे ही खोल रहे हैं, हार मान लिया ना? और वो कहाँ और लगा है? ऊपर जॉइंट है। अरे चचा बोरा खोलना पड़ता है, एक मिनट खोलने में इतना मेहनत है। इधर टूल्स लो, उसके बाद ही काम करना। एलन की लेके बैठोगे तो हो जाएगा फिर आज का। गाड़ी खोलते खोलते एक दिन लगेगा, काम करने को एक दिन लगेगा, और गाड़ी बंद करने को एक दिन लग जाएगा। मैं कुछ नहीं खोलूंगा। ऐसा है रे फट्टू, तू मेरा इंस्टाग्राम पे देखा नहीं क्या? क्या मैंने जो गाड़ी खोल के डाला था पूरा सीबीआर को पूरा ऐसा महंगा कर। अभी ये मेन नट खोल रहा है, इस पे ये पूरा टाकी इस पे रहता है। टाकी बोलना चाहिए या टैंक बोलना चाहिए? अच्छा टॉर्क स्पेसिफाइड टाइट होंगे या देखो क्या लगता है? मतलब ऐसे हाथ से कर दिया जिसने भी किया तो, मतलब सर्विस सेंटर में देखे फायदा नहीं है गाड़ी। इंडिया में टॉर्क स्पेसिफाई नहीं होता, इंडिया में टॉर्क कहीं नहीं होता है, इंडिया में सिर्फ BHP देखा जाता है। 23 BHP देख लिया, गाड़ी खरीद लिया, बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअल पावर तो 6000 RPM का आता है। नया ड्यूक 250 का माइलेज पता है कितना है BS6 का? हाँ तो बोल, 35 गाड़ी, 35 इन सिटी। BS6 ड्यूक 250 पावर कम करेगा, 30 BHP नो पावर रेडियो। बस वही बोलता है, इनिशियल जो पिकअप है ना थोड़ा कम, थोड़ा सा 10% कम हो गया। 10% क्या करेगा? छोड़ना, 35 माइलेज दार है और 30 BHP भी है, मतलब भगाते वक्त उतनी भागेगी। क्या बात है, क्या बात है, बस यही जीवन है। अरे सर तो टूटा हुआ था वो, बस लगा हुआ था एक जगह, टूट गया वो, नया लगाना पड़ेगा। ये इसके दो रिलेज है, एक फैन चलाता है, दूसरा सारी लाइट चलाता है, इंडिकेटर होगी, हेडलाइट की भी ना। क्या टूटा? टूटा हुआ नहीं, मतलब क्रैक आया होगा। अच्छा ये और कीजिएगा ना तो ट्रिक ट्रिक कर रहा होगा। अच्छा सेट कर, ये जो तो दो पार्ट है ना, ये जो नहीं है पार्ट, कोई नहीं नया लगा लेंगे उसमें क्या। लेकिन इधर कोई देख शुरू हो गया देख। सो हम लोग अभी इस साइड का भी खोलने वाले हैं, पूरा खोल के देखते हैं टैंक उठता है कि नहीं, फिर बात करते हैं आगे की। इसका रबर ये, इसका फ्यूल पंप का पावर लाइन है, बहुत संभाल के निकालना ये सब गाइस, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट है ये सब, अगर टूट गया ना तो फिर होंडा वाले लूट लेंगे। एक ये चीज़ और एक ये इसको क्लिप होती है टैंक के पास, वो क्लिप इसके अंदर फंसी होती है, तो वो क्लिप को ऐसा दबाना होता है और फिर निकालना होता है यहाँ से। बहुत ध्यान देना, अगर टूट गया तो इधर ही कचरा निकल के बहुत बुरा हो जाएगा। अभी साफ़ करेंगे इसको, थोड़ा साफ वाफ करके फिर आराम से स्पार्क प्लग की तरफ जाएंगे, जो कि इसके बहुत अंदर है। ये सब रबर में कवर्ड है ताकि पानी ना जाए अंदर, और टैंक का फ्यूल फिल्टर भी चेंज करना है क्योंकि 25,000 किलोमीटर हो गया और आज तक उसने एक बार भी चेंज नहीं किया है। इट्स लाइक बाइक लेना बहुत आसान है, बट उस पर जब काम करना होता है ना तो बहुत टेंशन होता है। ये इसका फ्यूल फिल्टर है, नया फ्यूल फिल्टर वहाँ पे रखा है, वो भी लगा लेंगे नया वाला फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर के साथ आपको दो पाइप मिलती है छोटी छोटी, दो पाइप, ये फिल्टर होता है साथ में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये दो क्लिप्स होती हैं, इन दोनों क्लिप्स को भी संभाल के रखो। तो अभी थोड़ा क्लीनिंग करते हैं बाइक की, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पकड़ के रख, हाँ पकड़, साल में एक बार साफ कर रहा है तो कर लेना चाहिए अच्छे से। तू दिखा रहा है क्या चीज़? दिखा रहा हूँ ना, ये तो निकलने वाला है, चेंज होने वाला है चीज। हाँ ब्लैक वाली, ये वाला क्या कवर फटेगा नहीं? ठीक है, मतलब टैंक पकड़, इसको भी अगर रख देना। ये क्लिप निकाल दिया, पेट्रोल आ सकता है क्या थोड़ा, जो उसके अंदर रहेगा वो वही, दूसरा वाला भी ऐसे निकलेगा।
बंद नहीं चलेगा ना। कुछ नहीं, जब तक पेट्रोल पंप चालू नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। यहाँ से गाड़ी निकला तो मैं खाने पर जाएंगे शायद से थोड़ा सा रहेगा भाई। वही जितना फिल्टर के अंदर है भाई। अब ये कैसे निकलेगा, किसी चीज़ पे लगा है क्या वो? अच्छा अच्छा, चड्डी के अंदर से मस्त वाला कचरा निकला एकदम। काम नहीं हो रहा मुझे, हाथ नहीं लगा। तेरे हाथ पे कितना आया कचरा, अरे देखना चाहिए। ये देखो गाइस, ये देखो पेट्रोल कितना अच्छा है, ये देखो 25,000 की मेहनत। दिखा सकते हैं इसके अंदर? अब इसके अंदर कैसे दिखाएगा, 25,000 का कचरा है गाइस, 25,000 किलोमीटर का। इसीलिए हम ये देखिए, ये हमने जितने भी फालतू पंप्स पे पेट्रोल भरवाया है सबकी देन है। बहुत है, बहुत है। ये देखिए ऐसा निकलता है इसके अंदर से। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप हर 8 से 10,000 किलोमीटर में एक बार साफ कर लीजिए। चिकड़ है, चिकड़ चिकड़ भाई, वो जा भी नहीं रहे सोच। अच्छा वो चिपक गया मतलब उस पे मिट्टी विट्टी होके। साफ कर इसको, मतलब उतना क्लीन कभी नहीं होगा। तो ये हमने लगा दिया है नया फिल्टर। चढ़ी? चढ़ गई। तो हम लोग जो खरीदते हैं उसके साथ ये ऐसे वाले सिर्फ दो ही मिलते हैं इन दोनों साइड लगाने के लिए, और आपको ओल्ड वाला ही यूज करना है जो यहाँ पे लगा था। चढ़ गई और ये गया अंदर बस। पहले जो टंकी का खराब पेट्रोल है वो बाहर आता है, फिर इसके अंदर फिल्टर होता है, फिर इसमें से इसमें जा क्लिप लगा दे बस। गंदा पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल, फिर इसके अंदर ऐसा। कम आएगा ना जेड़ देखा चिट्टी करके? देखो कितना गंदा था पेट्रोल अंदर का, फिल्टर से फिल्टर के अंदर से निकला है। हाँ बस उसके अंदर जाए बस, और इधर मारो, मारना साफ करना, गंदा है वो। और ये हमारे चूहे ने एक वायर को काट लिया है, एक वायर अच्छी है, एक वायर काट ली है, और ये हॉर्न की वायर है बदनसीबी। तू देख रहा है उसने लिटरली, वो उसने पहले उसने ये जैकेट काट लिया पूरा जिसके अंदर वायर थी, फिर उसमें से वायर भी निकल के हरामी काट रहा था। सो इसका हम लोगों ने स्पार्क प्लग लगा दिया है। अभी स्पार्क प्लग लगाने के बाद वापस से कवर चढ़ाया है, बट ये जो ये पार्ट, ये पहले पूरा एक वायर का था, इसको चूहों ने काट के पूरा ख़राब कर दिया है, ये पूरा बाहर आ गया इसमें से। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा इंसुलेशन वगैरह करेंगे वापस टेप वेप लगा के, और बाकी तो सब बढ़िया है। टैंक भी अभी लगाना बाकी है। इसका स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, पूरा रेडिएटर निकालना पड़ा, फिर वहाँ से फिर पाना लगा के फिर यहाँ पे काम किया है। CBR का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बाबा, करना है। इंजन भी हेड थोड़ा लीक हो रहा है, इसका ऑयल लीक कर रहा है, तो उसका भी मेरे को लग रहा है जल्दी काम करवाना पड़ेगा। रेडिएटर भी साफ़ किया है थोड़ा बहुत, जितना हो सकता था उतना साफ़ कर डाला है। ये सब तो यार बहुत मुश्किल है साफ़ करना। इसमें अभी कूलेंट भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे कूलेंट बहुत वेस्ट हो गया नीचे, तो कूलेंट भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ से इसका कूलेंट जाता है अंदर। रिजर्वायर का कैप का स्क्रू तो ख़राब हो चुका है, वो हम लोग खोल नहीं पाएंगे, तो ये काम तो मुश्किल लग रहा है अभी, पता नहीं कैसे करेंगे वो भी, देखते हैं।
उसके अंदर तो खैर है अच्छा खासा अभी भी, बाकी काम कूलेंट आ जाए तो शुरू करते हैं।